सॉरी बेटा, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गई है, वो लाइट का इशू हो रहा है. मैंने पहले ये सैटरडे इसलिए सोच के रखा था कि लाइटें नहीं जाती हैं, और अब जब से ये क्लासें रखी हैं तो अब स्पेशली सैटरडे को ही लाइटें जाने शुरू हो गई हैं. बस 5 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर चला क्लास ज्वाइन कर लेते हैं. अभी 8 आ गए ना. अच्छा भाई, जब भी सेशन एंड हो जाए, जिसको भी चांस मिले एक पिक ले लिया करें अटेंडेंस की, ताकि जो ना हमें पता चल जाए कि हमारी अटेंडेंस है, और फिर ग्रुप में डाल दीजिएगा. ओके मैम, ये आबिद कहाँ गायब है? आबिद तो नजर ही नहीं आता मुझे. उसका हमें भी नहीं पता, जीआर बता पाएंगी उनका? कहाँ जी यार, कौन है जी जी मैम, यार? मैंने अभी कॉल किया मैम. मी मनाल. आप हैं जी यार? जी, मैंने अभी ज्वाइन किया है. मनाल भी लेट ज्वाइन करती है, और आबिद का तो पता ही नहीं चलता. आबिद है कहाँ? हाँ मनाल, आबिद का क्या मसला है? नजर ही नहीं आता क्लास में. मैम, अब आपको ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा, मुझे भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके बारे में. मतलब और किसी की भी क्लास में ले रहा है या सिर्फ मेरी नहीं ले रहा? नहीं मैम, वो किसी की भी नहीं ले रहा क्लास. क्यों, क्या हुआ है? खैरियत? बस मैम, उनकी शादी हो गई है, उसके बाद वो क्लास नहीं ले रहा है. तो शादी हो जाने से क्लास नहीं ली जाती? बोलो भी, बीवी को खिलाएगा क्या जब पढ़ेगा लिखा गया नहीं? मैम, अब आप ये उनसे पूछे. निकम्मा. तो आके मुझे बताए तो सही ना, ताकि हम कोई कुछ ना कुछ तो करें कि क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता. फिर मैम पता नहीं, वो किसी की भी नहीं क्लास ले रहा है. नहीं तो कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है. जरा ट्राई तो करो आरिफ, एजाज, जरा आबिद को ट्राई करो, और फिर जो भी बात हो तो भी मुझसे जरा डिस्कस करना कि क्या मसला है इसका ना. नहीं तो उसको बोले, मैसेज करें कि मुझे कॉल करें. आप लोग भी बात करें, और उसको फिर बोलना उनको कि मुझे कॉल करें, ठीक है ना? ओके मैम. हाँ, पता तो चले ना कि क्या है, कि छोड़ रहा है या क्या कर रहा है, ताकि अगर हम रिजल्ट में मार्क करें उसके लिए तो फिर वो हम बचते रहेंगे, ताकि जरा आसानी हो जाए इसके ओके लिए भी. क्या पता अगर उसका कोई इशू है तो हम डिस्कस कर लेते हैं, कोई ना कोई जो है वो रास्ता निकालते हैं. लेकिन पता तो चले ना क्या मसला है. मसला पता होगा तो कुछ हल निकलेगा फिर. और अगर वो किसी की भी नहीं ले रहा तो फिर एक मसला है, क्योंकि फिर हर कोई जो है ना वो एडजस्ट नहीं करेगा फिर. चलें फिर हम लोग जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास. आ गए हैं अभी और आ रहे हैं. मनाल कुछ आइडिया बेटा? बस इतना ही, हम 9 ही स्टूडेंट्स. मैम, फर्स्ट स्लॉट में तो बहुत कम बच्चे होते हैं, सेकंड स्लॉट में और थर्ड में मैम थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं बच्चे. वैसे टोटल हमारे कितने स्टूडेंट्स? हमारे टोटल क्लास में 44 है मैम, 44 या 43 है, इसी तरह के हैं. एक मिनट, मैं जरा एक स्लाइड, एक वो शेयर कर लेती हूँ आपके साथ, शीट, तो मुझे जरा पता चल जाए. ये आईफोन कौन है बेटा?
बेटा अपना ओरिजिनल नाम से जरा जो है ना आप लोग जो है ना नंबर रखें यहाँ पर, ताकि हम जो है ना आप लोगों को जब जज करें तो ओरिजिनल नंबर के साथ जो है ना वो जज करें। अच्छा जी, मैं ये बात पूछ रही हूँ, अब्दुल बासित है हमारे साथ मनाल? यस मैम सही। अब्दुल मुनीब? मुनीब होते हैं क्लास में? बताते जाओ एकदम, कोई सो ही नहीं, मुझे यहाँ पर अपडेट करते रहो, ताकि मैं नहीं है यहाँ मैडम, पर नहीं है, इतना देर एक भी वेट नहीं नहीं क्लास करूंगी कि में। मैं सुनती रहूं किसी की। कौन है ये मुझे जवाब दे रहा है? फटाफट जवाब दे, कौन है बेटा? आरिफ कहाँ है? एजाज कहाँ है? मैम में नहीं, एक भी नहीं। हाँ तो बेटा बोलो ना। मैम ये क्लास का ही है, बट काफी क्लास था या कुछ में आया कुछ में नहीं आया? कुछ में आया कुछ में नहीं आया, बस चलें ये बस मुझे बता दें, मैं जरा इसको जो है वो ढीला करूं से, ठीक है ना? मैं अभी इसकी मार्किंग नहीं कर रही। इसको क्या हो गया? हर दफा मैंने एब्सेंट नहीं करते हैं, इसे पी कर देते हैं तो हमें पता चला। अच्छा जी, ये वहाब कौन है? मैम वहाब क्लास में थे लेकिन आज नहीं है, वहाब आज कहाँ क्लास है? में फिलहाल हाँ वहाब तो अभी तक रेगुलर तो क्लास दे रहे हैं। यस क्लास लेते हैं रेगुलर। हाँ अदीबा? आदिल हुसैन? जल्दी जल्दी बोलते जाओ यार, ये इतना टाइम नहीं लगाओ, ये कौन सोच हो के जवाब दे रहा है मुझे? यस मैम आदिल हुसैन, जी मैम, अदीबा? इस मैम है क्लास में मौजूद है, अदीबा आप अदीबा आई नहीं है मैम क्लास में। अच्छा अदीबा तो होती है खैर रेगुलर। अदनान? अदनान भी नहीं है मैम क्लास में, अदनान भी नहीं है नहीं क्लास में नहीं है, ये आता ही नहीं है, मुझे ये चीज बताएं, मैं ये नहीं पूछ रहा कि क्लास में हो तो अभी क्लास नहीं ले रहे। हाँ ये क्लास मुझे में तो बताएं, है, ये नहीं बोले कि जो है ही नहीं ना, मैं उसकी बात नहीं पूछ रही हूँ, जो रहते रहते हैं क्लास में उनकी बात पूछ रही हूँ, जो रेगुलर है मैं उसकी भी बात पूछ रही हूँ, जो इररेगुलर है मैं उसकी बात भी पूछ रही हूँ, तो मुझे प्रॉपर जवाब दें। नहीं मैम क्लास तो उसने नहीं लेता, लेकिन क्लास में मौजूद होता था जब फिजिकल क्लासेस होती थी। तो फिजिकल तो अभी हुई नहीं है मेरी। नहीं मैम ने उन्होंने आपकी क्लास शायद नहीं ली है अदनान ने। यस मैम कोई भी नहीं लिया शायद, अदनान ने नहीं ली क्लास। कंफर्म है? जी जी कंफर्म है। आफिफा? जी मैम। आयशा? आयशा भी नहीं होती, आयशा मैम का इसका सेक्शन ये नहीं है, ये नहीं है। यस मैम ये बिल्कुल है ही नहीं हमारे सेक्शन में। अली रजा? अली रजा भी होते हैं। सही है। अब अमादुल्ला? अमादुल्ला भी मैम होते हैं, कभी होते हैं, एंड में आते हैं वो, नहीं होते। एंड में आते हैं वो। आकिब अली? आकिब अली तो होते ही है। हाँ? नहीं होते मैम ये आकिब अली नहीं, मतलब एब्सेंट है, रहते ही नहीं क्लास में, हिस्से ही गायब है मैम। क्लास में भी बहुत कम इनकी पार्टिसिपेशन होती है। सही। चलो अक्सर मोहम्मद शुएब और अक्सर निसार अहमद दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, और आरिफ मौजूद हैं, बीबी हूर ये कौन है? बीबी हूर ये भी होती है क्लास में? बोलो क्या जवाब दे रहे हो बेटा? मैम होती है ये कभी कभी क्लास में। अच्छा सही। बिलाल? बिलाल भी नहीं होते। नहीं होते मतलब ये पार्ट मतलब है तो सही ना, एब्सेंट तो नहीं है ना मैम? अभी अभी तो एब्सेंट नहीं, क्लास में होता नहीं है, क्लास में आते नहीं। कैनिका? कैनिका प्रेजेंट होती है। दुआ? दुआ भी होती है। एजाज? एजाज भी होते हैं। इरम? इरम भी होती है।
फरहाद मैम फरहाद बहुत कम होते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते. फैसल, फैसल भी होते हैं. फातिमा, फातिमा भी होती हैं. फवाद गुल, फवाद गुल नहीं होते, एब्सेंट है हमेशा के लिए. जी मैम ये हमेशा एब्सेंट ही रहते हैं. फरहाद नहीं होते मैम. नहीं मतलब किसी भी क्लास में नहीं होता ये. नहीं मैम नहीं. हाफिज मोहम्मद हसन. जी मैम ये होते हैं क्लास में प्रेजेंट. हफ्सा, हफ्सा भी होती हैं. हमजा अवान. मैम हमजा अवान भी होते हैं. हारिस, आरिफ तो आए हैं. हारिस मैम हारिस बहुत कम होते हैं. कम होता है मतलब ये पूछने को आता है ना. मैम आपकी क्लास तो उसने एक भी नहीं ली थी शायद, अभी तक नहीं ली इसने. सही. हसनैन, हसनैन होते हैं. दोनों हसनैन, रफीक भी और दूसरा भी. जी जी मैम वो दोनों होते हैं. सही है. हिना अल्ताफ, हिना अल्ताफ मैम कम होती हैं. हिना वाली, हिना वाली भी बहुत कम होती हैं. सही. और हूर आरिफ, हूर आरिफ होती है मैम. इकरा रियाज मैम, इकरा भी होती है. सही. इकरा भी होती है मैम. मनाल मैम, मनाल प्रेजेंट. मनाल को तो भी मैं ये मैं मेरे हाथ साफ है. मुझे दो तो क्या है मनाल मैम जीरो है. हाँ हाँ जीरो. देखो जीरो की वैल्यू होती है. सही ना. आगे भी लगा सकते हैं पीछे भी लगा सकते हैं. मैम जीरो को वन भी कंसीडर किया जा सकता है ना. हाँ वही तो मैं कह रही हूँ ना, जीरो की तो वैल्यू होती है. क्या क्या आरिफ आप ले ले अपने 20 नंबर मुझे दे दे. आरिफ जीरो की वैल्यू होती है ना भाई. यस मैम बिल्कुल है ना. कितनी वैल्यू है इस जीरो से तो भाई आगे नंबर जो है ना वो रिकॉग्नाइज होते हैं ना. तो मनाल खुश हो जाओ मेरी तरफ से जीरो मिल रहे हैं तुम्हें. अरे नहीं नहीं बच्चे मजाक कर रही हूँ. अभी मैं जरा इसको साइड करती हूँ थोड़ा सा, इसलिए मैंने जरा पूछ लिया था आप लोगों से. मैम ये नंबर सारे रिकंसीडर होंगे या हाँ 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 हा, हा, बिल्कुल इसलिए मैंने पूछा ये रिकंसीडर होंगे. बेफिक्र ना ठीक है. लेकिन बेटा ये जो दो तीन बच्चे हैं जैसे आपने कहा कि ये हारिस है ये जिनको मैंने एब्सेंट फवाद है, तो इन लोगों से जरा जो है वो कंफर्म करें कि ये लोग जो है मुझसे कांटेक्ट करें. ठीक है हारिस फवाद बिलाल है मेरे ख्याल से, आबिद को लाजमी बोलें, मुनीब है. मैं मैसेज कर दिया आबिद को ऑलरेडी आपके नाम से. ठीक है उन्होंने अभी तक सीन भी नहीं किया है, वो सीन करेंगे तो देखें क्या रिस्पॉन्स देते हैं. चलो ठीक है ठीक है बेटा. चलो अभी हमारा काम निपट गया, मैं जरा रिलैक्स हो गई हूँ, मुझे टेंशन हो रही थी इसकी. ठीक है और मैम प्लीज मार्क्स बता दे. जी मेरे मार्क्स बता दे मैम प्लीज. हाँ हाँ बता तुम, अब तुम बेफिक्र हो जाओ. सही है टेंशन. ओके मैम. अच्छा अब हम जो है वो थोड़ा सा अपनी पढ़ाई की तरफ आ जाते हैं. मैं बस यही पूछ रही थी थोड़े से, मुझे रेगुलर स्टूडेंट्स का मसला हो रहा था तो ये ना हो कि किसी की हक तल्फी हो जाए बेटा. मैंने हालांकि अटेंडेंस से और सब चीजों से टैली कर लिया लेकिन फिर भी जो है वो एक चीज होती है क्योंकि यही आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो होते हैं ये भी मार्क्स गेनिंग होते हैं. तो इससे ये कि आप लोगों की आसानी हो जाएगी. ठीक है और मनाल बस जीरो अच्छे लग रहे हैं मुझे तो भाई, और आरिफ को भी पसंद आ रहे हैं और मेरे ख्याल से तमाम क्लास को भी थोड़े थोड़े अच्छे लग रहे हैं. सबको पसंद आएंगे, अम्मी को पसंद नहीं आएंगे मैम जीरो नंबर. नहीं नहीं आप बेफिक्र रहो, अभी मैं जरा वो आरिफ ने कहा ना रिकंसिडर होंगे तो जरा थोड़ी रिलैक्स हो जाऊंगी ना, तो बस मैं इसको फिर शीट को भी बना के मुझे आगे भी फॉरवर्ड करनी है. ठीक है ओके मैम. लेकिन ये कि अब कोई शोर शराबा ना हो, मैंने सबसे डिस्कस कर लिया है, बेफिक्र रहें, पेपर के हवाले से भी कोई टेंशन नहीं लें. अखर मैं अभी लास्ट सेशन में भी सबको बताऊंगी, अभी भी बता रही हूँ क्योंकि अभी इतना सारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है बच्चों की, तो पेपर वही चीज़ है. ये तीनों टॉपिक्स जो है हमारे मेमोरी है, न्यूरो साइकोलॉजी और ये वाला जो आज का है इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इन्हीं पे जो है कंसिडरेशन कीजिएगा, इन्हीं से रेलिवेंट आपके पास क्वेश्चन हैं. थोड़ी सी वर्डिंग की हेर फेर है, बाकी वो सिंपल वही चीज़ें हैं कि आपने खुद बतानी है. और कहीं अटको तो मुझसे पूछना, मैं अवेलेबल हूँगी पेपर वाले दिन, तो कोई पैनिक नहीं करना. जैसे मिड टर्म आपने रिलैक्सेशन से दिया है ऐसे इसको भी दीजिएगा. ठीक है ना
दो घंटे का आप लोगों का पेपर, लेकिन चार घंटे का मार्जिन है ड्यू टू नेट और उसकी वजह से, ठीक है? और कुछ भी मसला हो फौरन मुझे जो है वो मैसेज करके डिस्कस कर लीजिएगा, तो मैं आपको गाइड कर दूँ। देखिए मिड टर्म का भी पेपर आपके सामने इसी तरह का पेपर आएगा, थोड़ा सा जो है वो वर्डिंग जो है वो ये आपको थोड़ी समझनी होगी, नहीं आती तब भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा, सही है? अच्छा जी, हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? ये पर्सनैलिटी का हमने फंक्शंस कर लिए थे, हार्म अवॉइडेंस था, नॉवल्टी सीकिंग था, रिवॉर्ड डिफेंस था, परसिस्टेंस था, ठीक है? टॉपिक के हवाले से तो किसी को कोई इशू नहीं है, जो पढ़ाया वही आएगा, इन्हीं में से आपके पास स्लाइड सब मौजूद हैं, रिकॉर्डिंग सब मौजूद है आप लोगों के पास, और जो है ये पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस भी बहुत मौजूद हैं, इवन मेरे जो है लेक्चर्स भी मौजूद हैं। फिर भी अगर कुछ ना समझ में आए तो बेटा एनी टाइम यू कैन आस्क मी बिफोर द पेपर, नॉट आफ्टर द पेपर और मिड ऑफ द पेपर, ओके? अच्छा थोड़ा सा इसको जरा मैं वो कर देती हूँ, पर्सनैलिटी को हम थोड़ा सा स्टार्ट से थोड़ा सा ओवरव्यू कर देती हूँ। पर्सनैलिटी कैन बी डिफाइंड एज अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न्स ऑफ थॉट्स इमोशंस बिहेवियर्स, यानी कि पर्सनैलिटी एक अपना स्टाइल है एक पर्सन का, उसका इमोशन उसके थॉट्स उसका उसको मेकअप करता है एक पर्सनैलिटी पर्सन के स्टाइल को बनाने के लिए। तो एक अपनी एक जो है डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे अभी मैंने तुम सबके बारे में बात की है। अब देखो मैं तुम्हारे मार्क्स जो है जरूर नहीं कि तुम्हारी काबिलियत को पढ़ दूँ, तुम्हारी काबिलियत भी है, तुमने काम भी किया वो भी है, लेकिन तुम्हारा जो करेक्टरिस्टिक है यानी कि तुम्हारे जो इमोशंस थे मेरे साथ या जिसकी भी पार्टिसिपेशन थी तो वो बड़ी काउंट होगी। आप लोग ने किस तरह से मेरे साथ जो है वो बिहेव किया, मैंने आप लोगों के साथ कैसा बिहेव किया, लाजमी बात है जब आप मेरी भी इवैल्यूएशन करेंगे, टीचर की भी इवैल्यूएशन होती है, तो स्टूडेंट पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि वो कैसा जो है वो इवैल्यूएट करता है, किन किन पैरामीटर्स पे। तो आप मेरी नॉलेज पे भी कर रहे हैं, मेरी वे ऑफ स्पीकिंग पे भी कर रहे हैं, मेरी पर्सनैलिटी पे, मेरे आउटफिट्स पे, मेरे बिहेवियर पे, लेकिन सबसे ज्यादा जो कंसिडरेशन होगी कि मैं सब कुछ हूँ, अच्छी पर्सनैलिटी है मेरी या अच्छी आउटफिट हूँ, अच्छी चीजें हैं, लेकिन तब अगर मेरा बिहेवियर आप लोगों के साथ सही नहीं है तो लाजमी बात है कि आप शायद मुझे इतना इनकरेज नहीं करेंगे। तो इसलिए हम बार बार जो मैं बार बार आपको बात करती हूँ, और ये जो हमने पढ़ा है और सब्जेक्ट को पढ़ने का मकसद यही है कि स्टूडेंट्स को जो है वो वेल बिहेव्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक इंसान बहैसियत वो स्टूडेंट भी जब ही बनेगा जब वो पहले इंसान बनता है, तो इंसान बनने के लिए उसके पास अच्छा बिहेवियर होना जरूरी है कि वो उसके कोई उसके पास बैठ सके, कोई उसके पास बात कर सके, कोई जो है वो एक सोसाइटी को मूव करता है, यानी कि एक चाहे एक मर्द हो या एक औरत हो तो वो सोसाइटी को मूव करती है, सोसाइटी जनरेट करती है करते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप एक अच्छा करेक्टर बिल्डिंग करें, उसके लिए आपके पास जो है वो अच्छा बिहेव होना जरूरी है। बिहेव किससे मिलके बनता है, वही आपके नंबर ऑफ थॉट्स पैटर्न्स ऑफ थॉट्स हैं, आपके इमोशंस हैं, आपकी सोच है, आपके ख्यालात हैं, आपके जज्बात हैं, आपके एहसास हैं, उन सबसे मिलकर एक पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होती है। फिर वो हर एक अपने अपने पर्सनैलिटी के अपने अपने थॉट्स के हिसाब से अपने अपने इमोशंस के हिसाब से अपने अपनी फीलिंग्स के हिसाब से करेक्टराइज हो जाता है अपने अपने स्टाइल के हिसाब से। जैसे अब मैंने आप ये जगह अभी मैंने मनाल से बात की, अब आप चाहती मनाल जो है वो मुझसे बदतमीजी से भी बोल सकती थी, मुझसे प्यार से भी उसने बोला, जैसे मैंने कहा कि भाई मनाल मैं तो तुम्हें जो है ना वो जीरो ही दे देती हूँ, क्यों मैंने क्या किया है, मनाल मुझसे ये भी कह सकती थी, ठीक है ना? बिहेवियर है ना, वो कोई भी शो कर सकता है, ठीक है मनाल? माइंड मत करना, मैं एक मिसाल के तौर पर बात कर रही हूँ। देखो मैं इसलिए पहले भी बोल देती हूँ कि बात है बच्चों को शायद बुरा भी लग जाता है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर रहे हैं कि हम बिहेवियर मैम आप उस्ताद हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, यही तो चीज़ें हम भूल जाते हैं, हम चाहे उस्ताद हैं या हम स्टूडेंट हैं या हम बीइंग अ पेरेंट हैं, हमें अपना अपना एहतसाब रखना बहुत ज़रूरी है, हमें वो बात वो सोच ऐसी चीज़ें ना करनी ही नहीं चाहिए जो किसी के दिल आज़ारे की तरफ लेके जाए। और बाज़ दफ़ा बहुत सारी चीज़ें बुरी लग जाती हैं, हम अपने फ्लो में कह जाते हैं, टीचर्स भी होते हैं तो बाज़ दफ़ा इतने फ्लो में कह जाते हैं, जैसे मैं खैर नलायक या निकम्मत हूँ, मजाक में ही अपने प्यार में ही बच्चों को कहती हूँ, जिनको मैं ज़्यादा प्यार मतलब मेरा जिनसे ज़्यादा अटैचमेंट होती है तो मैं उनसे इस तरीके से बात करती हूँ, मैं हर एक से ज़्यादा वो नहीं करती, लेकिन यह है कि यही बात किसी को बुरी भी लग सकती है, शुरू में कोई अगर बात पूछता है मुझसे या सुनता है तो उसको ये बात बुरी भी लग सकती है ना कि भाई मिस ने ऐसा निकम्मा क्यों कह दिया, हम निकम्मे लगते हैं मिस को, हम नलायक लगते हैं। तो जो मुझे जानेगा तो वो मेरी बात को इस चीज़ को जो है वो कंसिडर नहीं करेगा, ये बात बात मैंने पहले भी कही है। तो ये जो पूरी थ्योरी जब हम पढ़ रहे हैं तो हर जगह हमारा वेल बिहेव्ड यही तो बताता है हमारी सोच कि हम कितने डाउन टू अर्थ हैं, हम कितने अपोलोजाइजर्स हैं, हम कितने जो है वो अपनी इन्वायरमेंट को अपनी इंटरेक्शंस को कैसे जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। अगर मैंने भी ऐसा इन्वायरमेंट कर दिया तो मनाल मुझसे कंफर्टेबल बात नहीं करेगी,
अब मैंने एक ऐसा इन्वायरमेंट रखा हुआ है तो आरिफ ने भी थोड़ा सा तुम्हें तंग किया, मैंने भी किया, एजाज भी हैं, सारे स्टूडेंट्स भी हैं, तो सब थोड़ा थोड़ा तुम्हें तंग करने के लिए कह रहे हैं, हाँ जी मिस ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। हालांकि ये एक थोड़ा सा हमने इन्वायरमेंट बनाया, तो किसकी वजह से, एक पर्सन के स्टाइल ने तुम सबको इंटरेक्ट करने के लिए एक सोशल इन्वायरमेंट गैदर कर दिया, जो कि इसकी आखिरी लाइन को मैं डिफाइन कर रही हूँ। यानी कि मैंने अगर इतनी स्पेस दी है तो आरिफ भी तुमसे ये बात कह सकता है, मनाल भी मुझसे जिद कर सकती है, थोड़ा सा लाड कर सकती है, नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं करें, मुझे वो करें, तो वो चीज़ क्या है, वो मेरे ही स्टाइल से डेवलप हुआ। अगर मैं इतनी सख्त हूँ और मैं इतनी रूड होती तो मेरे ख्याल से मजाल नहीं थी कि जो है ना मनाल मुझसे इस तरह से बात करे। मैं ये कहूँगी हाँ बस 10 ही दे दिए बस बहुत है, ज्यादा जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे कोई वो नहीं चाहिए, बता दिया मैंने जिसको, चाहे कोई सी आर ओ या जी आर ओ या कुछ भी हो, ऐसा ही है। तो इस चीज ने तुम्हें बाउंड कर दिया, अब तुम ना मुझसे बात कर सकती हो। हाँ ये बिहेवियर तुम्हें बदतमीजी करने पे, गुस्सा करने पे, शाउट करने पे, बैड बिहेव करने पे मजबूर जरूर कर सकता है, लेकिन वेल बिहेव करने पे बहुत कम ही शायद मजबूर कर सके तुम्हें, ठीक है ना। तो ये चीज होती है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को अपने डिफरेंट पर्सनल स्टाइल से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, फिजिकल भी, यानी कि हम जो फिजिकल क्लासेस लेते हैं ना, हम उसमें अपनी क्लास के एनवायरनमेंट को कैसे मेंटेन करते हैं। बाहर तक आवाज तो नहीं जा रही, बाहर शोर थोड़ी जा रहा, बाहर लोगों तक आप क्या, आप जब बाहर निकलते हैं तो आप हर टीचर्स को डिस्कस करते हैं, सही है ना, हर क्लास को डिस्कस करते हैं, आज की क्लास में ऐसा रहा, आज के टीचर यूं थे, आज तो टीचर ने यूं कर दिया, किसी ने आज तो डांट पड़ गई, आज ज्यादा मजाक मस्ती की, आज का ज्यादा इन्वायरमेंट अच्छा था, आज बहुत बुरा इन्वायरमेंट रहा, ऐसा ही होता है ना जब हम बाहर निकलते हैं। तो ये चीज़ क्या है, ये जो फिजिकली हमारी आप लोगों के साथ जो है वो हमने वहाँ पर जो है वो रखा एक माहौल, उससे जो है क्या बना, एक सोशल इन्वायरमेंट बना। ये सोशल इन्वायरमेंट हमें मजबूर करता है सर्वाइव करने में। मैं एक अच्छा इन्वायरमेंट बताऊँ, हम जॉब करते हैं, हम यूनिवर्सिटीज में आते हैं, अगर हमें एक अच्छा सोशल इन्वायरमेंट ना मिले, यकीन माने कि हमारा एक मिनट दिल नहीं लगेगा कि हम वहाँ पर काम कर सकें या हम आप लोगों के साथ अच्छा वेल बिहेव कर सकें, अगर हमें इन्वायरमेंट ही अच्छा ना मिले। अगर हमें हर वक्त जो है वो एक पैनिक एक टेंशन वाला इन्वायरमेंट मिलेगा तो हम कभी भी जो है वो आप लोगों के साथ ही अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, और अल्लाह का शुक्र है हमारी यूनिवर्सिटीज का, चाहे मैंने BBS वेल में भी काम किया है, फेडरल में भी है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, तो अल्लाह का शुक्र अब तक जितनी यूनिवर्सिटीज में मैं गई हूँ तो स्टूडेंट्स, टीचर्स, कोऑर्डिनेटर्स, हमारी सारी फैकल्टी मेम्बर्स सभी माशाल्लाह जो है वो हर तरीके से जो है लोग सब कॉपरेटिव जो है वेल बिहेव्ड हैं, रिस्पेक्ट देने वाले हैं। तो ये चीज़ होती है कि आपको दोबारा उस जगह पर काम करने पर मजबूर करती है, कॉम्प्रोमाइज़ भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो उनके साथ वो हैंडल करने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब हम वही बात आ गई ऑर्गेनाइजेशन की, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद द इंडिविजुअल विद दोज साइको फिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज और हर यूनिक एडजस्टमेंट। देखें वही बात आई ना जो अभी मैं बात कर रही थी, यानी कि हम अपनी एडजस्टमेंट भी हर तरीके से करने की कोशिश करते हैं अगर हमें अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, हमारा दिल खुश होता है, हमारी सोच खुश होती है, तो हम आगे बढ़ने के लिए हर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी यूनिकनेस, हमारा जितना टैलेंट होता है, जितनी चीज़ें होती हैं, जितनी फिजिबिलिटी हमें मिल रही होती है, हम वो सब करने के लिए तैयार हैं, ऐसे ही है। चाहे आप जॉब की बात करें, चाहे आप वहाँ पढ़ने की बात करें, अगर आपको पढ़ने में भी अच्छा माहौल नहीं मिलेगा तो आपका दिल नहीं लगेगा, आपका दिल फौरन कहेगा नहीं हम भागें ये करें। दूसरी बात ये कि अपने आप को भी अपना जो साइको फिजिकल सिस्टम, दो बातें कही हैं, एक तो अपनी बॉडी को भी मेंटेन करना और अपने दिमाग को भी इस चीज़ के लिए तैयार करना, वो बहुत ज़रूरी है। अब बाज़ दफ़ा ये दिल दिमाग कहता है कि जी ये पढ़ाई नहीं पढ़नी, लेकिन ये कहता है कि जी प्रेशर आ रहा है, एनवायरमेंट हमें मिल रहा है तो करना तो है। तो दिमाग उस चीज़ के लिए उसको राजी करना और उसके हिसाब से फिर अपनी बॉडी को राजी करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम कैसे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और कैसे हम जो है वो चीजों को डील कर रहे हैं। अच्छा जी, 10 मिनट के बाद जूम बंद हो जाएगा तो दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। वालेकुम सलाम हिना। तो ये डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है कि हाउ टू एडजस्ट योर सेल्फ, हाउ टू डिटरमाइन, हाउ टू रिकमेंड योर सेल्फ।
बेटा अभी मैंने नंबर किसी को भी नहीं बताया, मैंने सिर्फ जो है सबके नाम रिकॉल किए हैं। मनाल हीनो को बता दीजिएगा, जरा समझा दें भी, ठीक है? तो अभी मैंने नंबर्स किसी के साथ डिस्कस नहीं किए हैं। ओके बेटा, कंफ्यूज नहीं हो, परेशान नहीं हो, मैंने जस्ट थोड़ा सा सिर्फ स्टूडेंट्स का डिस्कस किया था, बाकी बेफिक्र रहे, ठीक है? अच्छा जी, हम यहाँ बात करते हैं डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में हम किस तरह से अपने मेंटल और फिजिकल अपेयरेंस के हवाले से हम कैसे अपने आप को जो है वो सिस्टमेटिक वे पे लेकर आते हैं, अपनी यूनिकनेस के ऊपर कैसे लेकर आते हैं, हम कैसे इन्वायरमेंट जो है वो डिक्लेयर करते हैं, हम कैसे आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें हमें जो है वो बता रही थी। फ्रूड साइको एनालिटिक थ्योरी जो थी, यानी जो फ्रूड्स की थ्योरी जो हमने पहले बिहेवियर लर्निंग के ऊपर जो हमने डिस्कस किया था, वो ये थी कि जी अनकॉन्शियस फोर्सेज जो है वो डिटरमाइंस करती हैं पर्सनैलिटीज पे, यानी कि कॉन्शियस पे तो आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जैसे मैंने अचानक जो है वो मनाल को कह दिया और जो है वो आरिफ ने भी मेरा साथ दिया, जी मैं जीरो, तो ये एकदम हो सकता था कि ये बिल्कुल ही अनकॉन्शियस था कि मनाल जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मिस ऐसी बात कर सकती है कि जीरो दे देंगी, है ना? लेकिन फिर यही है कि मेरा जो है वो माहौल ऐसा था, मेरा वे ऑफ स्पीकिंग जो स्टाइल था वो ऐसा पोलाइट था कि जो है वो मनाल को ये बात समझ में आ गई कि हाँ मिस जो है वो अभी ऐसे मजाक में कह रही है, वरना जाहिर सी बात है जीरो तो नहीं है कि बच्ची ने हमारी जो है वो माशाल्लाह टैलेंटेड बच्ची हैं सारे बच्चे, तो हम कोई ऐसा भी नहीं कि आप लोग जो है वो बिल्कुल जीरो देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ ना, तो ये एक अनकॉन्शियस फोर्सेज होती हैं जो थ्योरी जो है वो डिटरमाइन करती है कि कैसे आप जो है वो प्रिटेंड करते हैं अचानक, ठीक है ना? अब अचानक जो है वो मैं कोई भी बात कह दूँ, जैसे अब हीना ने पूछा और मैं हीना को कह दूँ हाँ हीना तुम्हारी तो कोई कोई मार्क्स नहीं है और बार बार नहीं पूछना आइंदा ये वो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अनकॉन्शियस है कि क्योंकि हीना अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी। ये अनकॉन्शियस पार्ट क्या होता है कि पर्सनैलिटी ऑफ विच अ पर्सन इज नॉट अवेयर, वही वाली बात कि अवेयर नहीं थी, वही जो मैंने पहले ही कह दी, पहले ही समझा दी आपको कि आप पहले से तैयार नहीं थे, अचानक मैंने एक बात करी और उसके हिसाब से जो है वो आपकी जो डिटर्मिनेशन ऑफ बिहेवियर है, यानी कि उसमें जो डिमांड्स और आपकी विशेज आ जाती हैं, वो जो है वो रुक जाती है, पोटेंशियल नहीं आ पाता। तो वो पोटेंशियल लाने के लिए फिर जो है वो आप जैसे मैंने अनकॉन्शियस से जैसे मनाल बाहर आई कि उसको ये एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही थी कि ये मिस ने एकदम क्या बात कह दी, तो उसके लिए जो है वो एकदम जब कॉन्शियस में आए तो उसने अपनी डिमांड और अपनी विश को जो है वो कंसिडर किया बहुत पोलाइटली, जैसा मेरा बिहेवियर था तो जो है वो मनाल ने भी उसी तरह से जो है वो रिप्रेजेंट किया। तो ये रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, अब हमने बात की थी जी फंक्शंस ऑफ पर्सनालिटीज पर, फंक्शंस ऑफ पर्सन। अच्छा एक बात याद रखिएगा बेटा, मैं जब रीजॉइन का मैसेज करूँ तो तब कीजिएगा, क्योंकि जब मैं जूम ज्वाइन कर रही होती हूँ ना तो एकदम आप लोग भी कर रहे हो ना, तो एकदम हो सकता है कि शायद नेट कनेक्ट होता है या लोड होने लग जाता है, तो कनेक्शन में थोड़ा सा जो है वो मसला आ जाता है। तो जैसे ही अगर ये बंद होता है, क्योंकि 4 मिनट रह गए तो ये कभी भी बंद हो जाएगा, तो अच्छा ये एक स्टेप ले लें, जिसने ले लिया वो ज़रा ले लें इस सेशन की, ठीक है? तो इसके अलावा जो है वो मैं क्या कह रही थी, मैं एक तो मैं भूल जाती हूँ, मनाल या अपना आरिफ है, चार जो भी हैं बच्चे जो भी एक्टिव हैं इस वक्त, तो एक स्नैप लेके जो है वो ग्रुप में डाल दें। सही है। और दूसरा ये है कि जब मैं रीज्वाइन का मैसेज करूँ तब करना, क्योंकि मैं जूम ओपन कर लूंगी, फिर मैं आप लोगों को आराम से ऐड कर लूंगी, वरना समटाइम्स मुझे ऐसा लग रहा होता है कि फिर वो नहीं कनेक्ट हो पा रहा होता है ना, ठीक है? तो थोड़ा सा माजरत बच्चों, जो है ये इस तरह की थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आती है, अब आई डोंट नो वो क्यों आती है, या मेरी अपना कॉन्सेप्ट है, ये होता होगा क्योंकि वो नेट का एकदम बर्डन आ जाता है, वो सब ज्वाइन एक साथ कर रहे होते हैं। जजाकल्ला बेटा फीफा।
खुश रहे आप। और आफिफा आप तबीयत ठीक है बेटा आपकी? अच्छा जी, हम फंक्शंस ऑफ पर्सनालिटीज के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो फंक्शंस ऑफ पर्सनालिटी जो है, चलो शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला आप सब बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और अच्छा जी, ट्रीटमेंट और टेम्परामेंट, यानी कि टेम्परामेंट क्या होता है, सॉरी ट्रीटमेंट पढ़ रही हूँ, टेम्परामेंट क्या होता है? टेम्परामेंट रेफर्स टू बॉडी बायसेस इन द मॉड्यूलेशंस ऑफ कंडीशंस बिहेवियर रिस्पॉन्सेस टू परस्पेक्टिव फिजिकल स्टिमुलेशन। यानी कि जितने भी बॉडी के जो बायसेस हैं, यानी कि तासुब बाजी होती है, नफरत होती है, जलन होती है, उनको मॉड्यूलेट करता है एक कंडीशन और बिहेवियर के तौर पर रिस्पॉन्स करता है, ताकि एक परस्पेक्टिव और फिजिकल जो है वो सामने आए, ठीक है ना। तो उसके बेस पर अब जरा ये क्लास अभी एंड हो जाते हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो करेंगे। ठीक है, ये बस एंड हो रहा है सेशन, फिर मैं ज्वाइन करती हूँ।